हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जो शेप स्केल होती है ये वाली, इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो पेंट में तो इसका यूज़ होता ही है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसका यूज़ पेंट में ही होता है, और भी बाकी जगहों पर हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो जो है आप तक पहुंच पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको पेंट में ही बताती हूँ कि इसका यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ पर मैंने देखिए इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ है, ये आसन की लाइन है और ये हमारी थाई लाइन है। तो सबसे पहले एक यूज़ तो हम यहाँ पर करेंगे, जो यहाँ पर इस तरीके से गोलाई देनी होती है, तो इस तरीके से ये कर्व शेप लगाते हैं हम। और अब आते हैं यहाँ पर, यहाँ से हम तकरीबन 2.5 इंच, और यहाँ से हम बॉटम लेंगे, ट्वायल है तो उसका हाफ लेंगे 6 इंच। तो यहाँ से लेके ये हमारा 6 इंच हो गया। तो यहाँ पे इस तरीके से रखना है हमें ये स्केल, यहाँ से मिलाना है और इस तरीके से रखना है। ये जो मोटा वाला हिस्सा है ऊपर आएगा और इस तरीके से हम मिला लेंगे इसको, और फिर इसी स्केल को हम इस तरीके से कर लेंगे और यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस स्केल का यूज़ करेंगे, और इसे बोलते हैं शेप फुट्टी भी बोल सकते हैं आप, शेप स्केल भी बोल सकते हैं, बस इतना ही बोलेंगे और आपको दुकानदार जो है वो स्केल दे देगा। तो ये तो हुई पैंट की बात। अब मैं आपको इसका कुर्ती पे यूज़ बताती हूँ कि जब आप लेडीज़ कुर्ती कटिंग करते हैं तो उसमें सबसे ज़रूरी होता है जो हम साइड की फिटिंग देते हैं, जो यहाँ से साइड की फिटिंग होती है वहाँ पे काफ़ी लोग गलती करते हैं, उनसे जो है फिटिंग सही से नहीं लगती। तो यहाँ पे देखिए, मैंने चेस्ट का निशान लगाया हुआ है 11 इंच पे, कमर का 10 इंच पे, ये हिप लाइन है जो कि हमारी 11 इंच पे ही लगी हुई है। तो यहाँ पे किस तरीके से आप यूज़ करेंगे, तो फिर से ये इस तरीके से रखना है आपको, ये उभरा हुआ हिस्सा इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे, और इसी स्केल को हम इस तरीके से कर देंगे। तो इस तरीके से आप फिटिंग का निशान लगा सकते हो साइड में, और फिर यहाँ पे जो मार्जिन लेना होता है वो ले लेना है। सीधा निशान भी लगाना हो तो इससे आप लगा सकते हैं इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई लेडीज़ कुर्ती की बात कि हम फिटिंग का निशान भी इससे इस तरीके से लगा सकते हैं, और इससे काम जो है काफ़ी आसान हो जाता है। तो और भी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, तो चलिए मैं स्लीव पे भी बता देती हूँ आपको इसको यूज़ करना। तो यहाँ से हमारा फोल्ड है, सबसे पहले स्लीव लेंथ तो मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए ली है, जितना भी आप रखना चाहें उतना ले लें। तो यहाँ पे इसका बॉटम जो है 5 इंच लूँगी, 1 इंच मार्जिन का, यहाँ पे इस तरीके से तिरछे में 8.5 और 9, इसकी हम फिटिंग इस तरीके से मिला लेंगे और इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। तो अब इस तरीके से रखना है आपको स्केल, ये इस तरीके से छोटा वाला हिस्सा हम यूज़ करेंगे, या तो आप थोड़ा सा और कर्व देना चाहते हैं तो आप ये ऊपर वाला हिस्सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से, तो फ्रेंड्स और भी जगहों पे आप यूज़ कर सकते हैं वैसे, बाकी ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं उसका मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।